सोलन जिला के कसौली क्षेत्र की गढ़खल पंचायत के बड़ाह गांव में फूड पॉइजनिंग से एक व्यक्ति की धर्मपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं तीन अन्य व्यक्ति घायल हैं, जिनमें से दो को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है, वहीं एक का फिलहाल सोलन में उपचार चल रहा है। यह चारों व्यक्ति प्रवासी थे व यहाँ पर कारपेंटर का कार्य करते थे। मृतक की पहचान 35 वर्षीय नजाकत के रूप में हुई है। इन प्रवासी मजदूरों ने शाम को खाने में बाजार से मशरूम खरीदकर सब्जी के रूप में खाई थी। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजन उप्पल ने बताया कि धर्मपुर अस्पताल में सुबह करीब 5 बजे फूड पॉइजनिंग के 4 मामले आए, जिसमें से एक की धर्मपुर अस्पताल में ही मौत हो गई व अन्य को रेफर किया गया है। उज्जवल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह पुंज की रिपोर्ट। ये मामला अभी हमारे ध्यान में आया है। 4 केस सुबह 5 बजे हमारा जो CSC धर्मपुर है वहाँ पर आए थे उल्टी वॉमिटिंग वगैरह करके। तो जब हिस्ट्री पूछी गई तो हिस्ट्री में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने रात को जो खाना खाया था उसके बाद वो बीमार हो गए। तो खाने में पूछा क्या खाया था, तो उन्होंने किसी शॉप से मशरूम खरीदे थे और घर में बनाए थे और उसके बाद वो बीमार हो गए। और एक मरीज की इलाज के दौरान धर्मपुर में डेथ भी हो गई है, बाकी स्टेबल है पर उनको रेफर कर दिया गया है। उनके सैंपल्स वगैरह सबके ले लिए हैं और बाकी अब इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी चल रही है।